राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये प्रथम नागरिक होता है। अब राष्ट्रपति कौन सा होता है? प्रथम नागरिक। और उपराष्ट्रपति होता है उसे दूसरा नागरिक, दूसरा नागरिक, ठीक है, पहला और दूसरा। जैसे मान लो सेना का सर्वोच्च सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन आता है, तीनों सेनाओं का सर्वोत्तम राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति हो गया, और आर्टिकल, अब देखो थोड़ा इम्पोर्टेंट, इसमें एक आर्टिकल है, इसको कौन से आर्टिकल में रखा गया है? 52। एक आर्टिकल है जो सज़ा माफ़ करता है, राष्ट्रपति किसी की सज़ा माफ़ कर सकता है, वो कौन सा आर्टिकल है? 72, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? 72, सज़ा को माफ़ कर सकता है, किसी भी सज़ा को माफ़ करता है। जैसे एक पिक्चर थी नाना पाटेकर की, उसमें सज़ा हो जाती, फांसी लगने को होती है, मगर लास्ट में उसको रोक दी जाती, तो वो राष्ट्रपति के पास चले जाओ आप, अगर वो चाहे तो आपकी सज़ा माफ़ कर सकता है, ठीक है। वो खुद की भी सज़ा माफ़ कर सकता है, अगर वो अपने पद पर है तो उस पर कभी फांसी नहीं दे सकता, मतलब उसको कभी सज़ा नहीं हो सकती राष्ट्रपति, अगर वो अपने पद पर है, ठीक है। तीनों सेवाओं के सर्वोत्तम होता है। इसका जो जो शपथ दिलाता, कौन दिलाता है इसको शपथ? इसको शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि राष्ट्रपति से सबसे बड़ा कौन होता है? कोई नहीं होता, तो सबसे ऊपर यही होता है सुप्रीम कोर्ट, उससे बड़ा तो कोई हो, जी दोनों हैं, इसलिए ये दोनों अपना और शपथ तो जी दिलवाता है। अब राष्ट्रपति अपना त्याग पर किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। तो अपना त्याग पद किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। ये राष्ट्रपति के थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो ये हो गई। अब राष्ट्रपति के बारे में और इतना और भी होगा, तो ये मगर ये है कि थोड़ी बेसिक चीजें हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये बता दी। अब उपराष्ट्रपति क्या होता है? ये होता है राज्यसभा का, जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ये अध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष अलग होता है, वो छोटा होगा, मगर ये जो मेन होता है ना अध्यक्ष, वो राज्यसभा का होता है, ठीक है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। वो ये दूसरा नागरिक होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है? जैसा राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है उसका उतना होता है, तो 5 वर्ष का उसका भी होता है। शपथ कौन दिलाता है इसको? राष्ट्रपति दिलाएगा? नहीं, राष्ट्रपति दिलाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति से सबसे बड़ा कौन होता है? उपराष्ट्रपति से सबसे बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति, तो इसलिए राष्ट्रपति दिलाए, ठीक है। तो हो जाएगा शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और ये त्यागपत्र किसको देता है? त्यागपत्र किसको देता है? ये राष्ट्रपति को, मतलब शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा और त्यागपत्र भी इसी को देगा। ये हो गया राष्ट्रपति, ठीक है। अब बाकी सारे पॉइंट हट गए। इसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? हाँ, उपराष्ट्रपति की, जैसे जो राष्ट्रपति की हुई उसकी उपराष्ट्रपति की होगी 35 वर्ष, ठीक है। अगर मान लो ये अपने पद का उल्लंघन करता है, तो इसको किस तरीके महाभियोग के द्वारा हटाया था। अब महाभियोग कैसे चलता है वो देखते हैं। अब लास्ट चीज बची है महाभियोग। देखो अगर राष्ट्रपति अपने पद का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर चलाया जाएगा महाभियोग। महाभियोग के द्वारा इसको पद से हटाया जा सकता है,
मगर इसके लिए पहले 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी पड़ती है राष्ट्रपति को। ऐसे नहीं कर सकते कि आप किसी भी हटा दें, आपको पहले 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी कि आप अपने पद को उल्लंघन करते हो। मगर ऐसे नहीं किसी एक ने बोला हटा दिया, नहीं, उसके लिए किसी भी सदन पे, जैसे लोकसभा हो राज्यसभा हुई, अगर लोकसभा वालों ने 1/4 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए तभी आप इस पर महाभियोग चला सकते हैं, नहीं तो नहीं चला सकते। कि आपने मान लो 1/4 भी नहीं किया और कम ने लोगों ने किया, 10-15 लोगों ने किया, तो आप ऐसे नहीं चला सकते, या 10 तो आप इस तरीके से नहीं चला सकते महाभियोग। आपको 1/4 लोगों की हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है, तभी आपका महाभियोग चलेगा। कितने दिन पहले? 1/4 सदस्य, ठीक है, 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। और कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी? 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, 14 दिन पहले सूचना, ठीक है, ये हो गया। अब कौन से सदन से प्रारंभ होता है? तो आप किसी भी सदन से इसको प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। मान लो ये कि लोकसभा और ये राज्यसभा, कहाँ से करें स्टार्ट बताओ? लोकसभा से स्टार्ट कर दें। अगर लोकसभा से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य इस पर पारित होता है पहले। 2/3 सदस्य अगर इस पर हस्ताक्षर कर दे तो ये पारित, लोकसभा से पारित हो गया, फिर ये राज्यसभा के पास जाएगा। तो 2/3 सदस्य से पारित होता है, फिर ये राज्यसभा के पास जाएगा, इस पर ये विचार करते हैं। और फिर अगर विचार पे अगर सही लगा तो फिर यहाँ से भी 2/3 बहुमत से पारित होता है, 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब जाके इस पर महाभियोग सिद्ध हो जाता है, फिर इसको हटा दिया जाता है, अपने पद से हटा दिया जाता है। ये कितने तरीके? 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी और इसका 1/4, ये कन्फ्यूज हो जाते कि 2/3 या 1/4, तो 1/4 ये है। किसी भी सदन से 1/4 किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं अपन। तो लोग जो सुनो, 1/4 क्या है? 1/4 वो है जैसे 14 दिन से मान लो लोकसभा में 1/4 लोगों ने इनके खिलाफ हो रहा है कि इस पर महाभियोग चला, ये अपने पद का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप ये 1/4 लोग, मान लो लोकसभा के 1/4 लोग हैं, तो ये 1/4 लोग 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि आपने राज्य सूचना दे दी, कि नहीं तो ये राष्ट्रपति ये ना कहे हमें सूचना दी नहीं है, हम कैसे मान लें। तो अब मान लो 1/4 से सूचना दे दी, यस, ठीक है, यहाँ से प्रोसेस ठीक हो गया। अब फिर किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं, तो हमने लोकसभा से प्रारंभ किया। लोकसभा में जब ये गया तो 2/3 सदस्य से पारित होना पड़ेगा इसको, ठीक है, जब लोकसभा से, क्योंकि ये था 125, मतलब 25% था, 25% लोगों ने हस्ताक्षर किए, तब जाके ये महाभियोग चला। अब ये 2/3 आ गया तो मतलब 66 लोगों का तो थोड़ा बड़ा होगा, तभी तो पारित कर सकते आप, नहीं तो 1/4 तो पहले से थे, तो यहीं से महाभियोग से दो ज्यादा वो, तो इसलिए बढ़ा दिया यहाँ से। तो 66 समथिंग, लगभग 66% अगर लोगों ने सदस्य से पारित हो गया, फिर ये राज्यसभा के पास जाता है, वहाँ फिर विचार होता है कि वहाँ से भी अगर 66% सही हो गया तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि ये राष्ट्रपति अपने पद का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इसको हटा दिया जाए। तो ये महाभियोग समझ में आया? 1/4 समझ में आया, 2/3 आया समझ में, बस इतना आशा है पूरा संसद। तो कितना पढ़ लिया? लोकसभा का, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ओका उपराष्ट्रपति। अब अगली क्लास में कब पढ़ने? राज्य की पढ़ लें अब।